अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जैम बिस्किट्स। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। ये बेकरी स्टाइल में बनाना बताऊंगी। सबसे पहले इसके लिए हमें मक्खन चाहिए 145 ग्राम। ये ग्राम में हमें चाहिए। मक्खन ऐड करेंगे बॉल के अंदर। बटर हमारा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। आइसिंग शुगर जाएगी 60 ग्राम, ये ऐड कर देंगे साथ में। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह बीट करेंगे। मक्खन और चीनी को मैंने अच्छी तरह बीट कर लिया है, बिल्कुल क्रीम की शक्ल की हो गई है। अब इसके अंदर वनीला सेंस 2 से 3 कतरे डालेंगे, 3 कतरे डालने। अब इसके साथ ही मैंने अंडे की सफेदी ली है 45 ग्राम, ये ऐड कर देंगे। अब इन दोनों चीजों को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। अंडे की सफेदी अच्छी तरह बीट हो गई है। अब इसके अंदर खुश्क दूध जाएगा 15 ग्राम। मैदा लिया है मैंने 180 ग्राम, ये मैंने छान के लिया है, ये भी साथ ही ऐड कर देंगे। आप मैदे और खुश्क दूध को अच्छी तरह बीट कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हम जैम बिस्किट्स बनाना शुरू करते हैं। अब मैं बैटर को पाइपिंग बैग में डाल लूंगी। ये दो इस तरह से मैंने पाइपिंग बैग ली है ताकि ये बिस्किट्स निकालते और फटे ना, इसमें भर लेंगे। इस तरह से भर लें। ये सारा बैटर इसके अंदर भर लें। बैटर को मैंने पाइपिंग बैग में भर ली है। ये मेरे पास बेकिंग ट्रे है, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के बटर पेपर लगा लिया। अब बिस्किट्स को शेप देंगे, इस तरह से शेप दे लेंगे बिस्किट्स को। आप किसी भी शेप के बना सकते हैं। इस तरह बना लेंगे सारे। एक अंडा लिया है मैंने, बिस्किट्स के अंदर थोड़ी सी जगह बनाएंगे जैम के लिए। इस तरह से लगा के इसको दरमियान से होल बना लेंगे। बिस्किट्स में मैंने जगह बना ली है। ये मेरे पास एप्पल जैम है, इसको मैं पाइपिंग बैग में भर ली है। ये ऊपर लगा देंगे थोड़ा थोड़ा, इस तरह से एक एक ड्रॉप डाल देंगे, ये खूबसूरती के लिए। इस तरह से लगाते जाएंगे। बिस्किट्स को आप बेक करेंगे। ओवन को मैंने 170 डिग्री पर प्री हीट कर लिया था, अब इनको बेक कर लेंगे। बिस्किट्स को मैंने ओवन से निकाल लिया है। बिस्किट्स को बेक होने में 10 से 15 मिनट लगे हैं। अब बिस्किट्स को मैं ठंडा करूंगी, उसके बाद इनका रिजल्ट दिखाऊंगी कैसे बने।